विभिन्न एग्जिट पोल की माने तो लोकसभा के बाद अब 22 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में भी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाई। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को संयुक्त रूप से 166 से 244 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं 90 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी के खाते में 75 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी अलायंस का प्रदर्शन राज्य के पश्चिमी हिस्से में थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन यहां भी भगवा पार्टियों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। कई प्रभावशाली मराठा नेताओं के बीजेपी और शिवसेना में आने से अलायंस और मजबूत हुआ है। हरियाणा में अगर एग्जिट पोल्स ही नतीजों में तब्दील होते हैं तो राज्य में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि चौटाला के दोनों धड़ों और बीएसपी जैसी पार्टियां भी हाशिए पर आ जाएंगी। नतीजों से साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की साफ सुथरी छवि, कृषि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्तियों में पारदर्शिता की पहल को जनता ने स्वीकार किया। वैसे एग्जिट पोल्स में कुछ त्रुटियों की भी गुंजाइश रहती है। बहरहाल इन अनुमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह काफी खुश होंगे, क्योंकि इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष के कैंपेन का जनता पर असर नहीं हुआ है। विपक्ष ने नौकरियों के जाने, कई सेक्टरों में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इन विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी भावनाएं हावी रही और बीजेपी ने आर्टिकल 370, एनआरसी और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बीजेपी की जीत से दोनों राज्यों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के खट्टर के नेतृत्व पर भी मुहर लग जाएगी, जिन पर केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से भरोसा जताया था। अनुकूल नतीजे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जैसे सुधारों के साथ आगे बढ़ने के लिए मोदी सरकार को प्रोत्साहित करेंगे। दरअसल आर्थिक मंदी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था। 18 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और ये नतीजे सरकार की इच्छा शक्ति को और भी मजबूत करेंगे और विवादास्पद कानून जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। खास बात यह है कि इससे जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का विरोध कर रही कांग्रेस के खिलाफ और पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी एक बेहतर स्थिति में आ जाएगी। दरअसल धारा 370 के फैसले के बाद ये पहला चुनाव है और जीत से जनता की मुहर भी लग जाएगी। उधर हरियाणा में चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वह सिंधु नदी का भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। उधर एग्जिट पोल्स के नतीजे कांग्रेस के लिए और मुश्किलें बढ़ा देंगे। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी को नेतृत्व संकट से जूझना पड़ा। आंतरिक कलह, दल बदल के बीच राफेल जैसे मुद्दों को फिर से हवा देना लोकसभा की तरह इस चुनाव में भी कांग्रेस के काम नहीं आया। ये भी माना जा रहा है कि दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अनुकूल नहीं आने पर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव पड़ेगा कि वह जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के स्टैंड का विरोध न करे और जनता की भावनाओं के हिसाब से अपना रुख तय करे। ब्यूरो रिपोर्ट।